व्यवस्था विवरण। व्यवस्था का दोहराया जाना और परमेश्वर के व्यवहार का अवलोकन। इसमें हम देखेंगे पीछे मुड़कर देखना, ऊपर की ओर देखना, आगे की ओर देखना, दोहराना, अगुवाई के लिए योग्यताएं, परमेश्वर की व्यवस्था का दोहराया जाना। जब परमेश्वर हमें धन की आशीष देता है, झूठे नबी, विभिन्न व्यवस्थाएं। व्यवस्था विवरण का अर्थ है एक दूसरी व्यवस्था। ये इसलिए है क्योंकि इसमें व्यवस्था के बहुत से पहलुओं को दोहराया गया है। हम इस पुस्तक को दो तरह बांट सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसे मूसा द्वारा दिए गए तीन उपदेशों में बांट सकते हैं। एक, पहला उपदेश अध्याय 1-4। दो, दूसरा उपदेश अध्याय 5-26। और तीन, तीसरा उपदेश 27-30। और ये सब उस मनुष्य द्वारा बोला गया था जिसने जलती हुई झाड़ी के पास प्रभु से ये कहा था कि वह बोलने में भद्दा है। पुस्तक का समापन मूसा के गीत के साथ होता है, अध्याय 32। मूसा की आशीष, अध्याय 33। और मूसा की मृत्यु, अध्याय 34। और इसको बांटने का दूसरा तरीका है कि इसे तीन दिशाओं में देखती हुई मानी जाए। एक, पीछे की ओर देखती हुई। दो, संदेश जो पीछे मुड़कर जंगल में बिताए गए 40 वर्षों के दौरान परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखते हैं, अध्याय 1-11। दो, ऊपर की ओर देखती हुई। दो, संदेश जो ऊपर की ओर परमेश्वर को देखते हैं, उसके नियमों द्वारा, परमेश्वर के नियमों द्वारा मनुष्य अपनी जरूरत को देख पाता है, अध्याय 12-31। और तीन, आगे की ओर देखती हुई। दो, संदेश जो आगे की ओर उन अद्भुत बातों को देखते हैं जो परमेश्वर भविष्य में करने वाला है, अध्याय 32-33। हम सभी को अपने जीवन में इन तीन दिशाओं में देखते रहने की जरूरत है। हम चाहे कितने भी बड़े बूढ़े क्यों न हो जाए, लेकिन हमें इन तीन दिशाओं में देखना बंद नहीं करना चाहिए। पीछे मुड़कर देखना, हमें पीछे की ओर देखने की जरूरत है। मैंने अपने जीवन में बहुत बार पीछे मुड़कर देखा है कि प्रभु ने मेरी कैसे अगुवाई की है और उससे मेरे विश्वास का नवीनीकरण हुआ है। मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें से निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, तब मैं अपने आप को बाइबल में दी गई प्रतिज्ञा याद दिलाता हूँ और दूसरे विश्वासियों द्वारा मुझे उत्साहित करने वाली बातें सुनता हूँ। लेकिन मेरे विश्वास को सबसे ज्यादा बल तब मिलता है जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। प्रभु मुझसे पूछता है, क्या मैंने कभी तुझे एक बार भी नीचे गिरने दिया है? मुझे ये जवाब देना ही पड़ता है, नहीं प्रभु, एक बार भी नहीं। फिर वो मुझसे कहता है, मैं अब तुझे गिरने नहीं दूंगा। पीछे मुड़कर देखने वाली नजर ने मुझे बाकी सब बातों से ज्यादा उत्साहित किया है। क्या आप फिर से गिर गए हैं? पीछे मुड़कर देखिए कि परमेश्वर ने कैसे आपको क्षमा किया था। जब उसने आपको क्षमा किया था, उस समय क्या वह ये नहीं जानता था कि आप फिर गिरेंगे? क्या ये उसके लिए हैरानी की बात थी कि आप फिर से गिर गए हैं? नहीं, उसने आपको फिर से क्षमा कर दिया है। कृतज्ञता के साथ पीछे मुड़कर देखिए, इसे आपके विश्वास को बल मिलेगा। प्रभु की दया के लिए उसे धन्यवाद देते रहिए। जब आप बीते समय की अपनी निष्फलताओं को देखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा
कि आप अपने आसपास के उन विश्वासियों के प्रति दयालु हो जो निष्फल होते हैं। लेकिन एक बात ऐसी भी है जिसमें हमें पीछे नहीं देखना है। पौलुस ने कहा, जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे बढ़ता जाता हूँ। फिलिप्पियों 3:13। अगर हम एक गलत ढंग से पीछे देखेंगे तो हम निरुत्साहित होंगे और हमें ऐसा लगेगा कि हम अपने जीवन में निकम्मे और नालायक साबित हुए हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन के बहुत साल बर्बाद कर दिए हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने अपने जीवन बर्बाद कर दिए हैं, मैं उन्हें उत्साहित करने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। यीशु ने कुछ मजदूरों के विषय में एक दृष्टांत सुनाया जिन्होंने काम करने के 12 घंटे में से 11 घंटे तक कोई काम नहीं किया था। आखिरी घंटे में एक आदमी ने उन्हें काम पर बुलाया और उन्हें अपनी दाख की बारी में काम करने के लिए भेजा। उन्होंने जाकर सिर्फ 1 घंटा ही काम किया, लेकिन यीशु ने कहा कि उन्हें उनकी मजदूरी पहले मिली। जिन्होंने 12 घंटे काम किया उन्हें उनकी मजदूरी आखिर में मिली। मेरी आशा है कि इससे आपको उत्साह मिलेगा। हमें निराशा के साथ पीछे नहीं देखना है और न ही हमें गर्व से पीछे देखना है। जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलने में वे सब बातें शामिल हैं जो हमें निराश करती है और जो हमें गर्व से भरती है। अगर आप किसी ऐसी बात के विषय में सोचते हैं जो आपको निराश करती है या आपको गर्व से भरती है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके उन्हें भूल जाइए। लेकिन हमें उन सब कामों के लिए हमेशा कृतज्ञता के साथ पीछे मुड़कर परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है जो उसने हमारे लिए किए हैं। मैं इस पीछे मुड़कर देखने की बात कर रहा हूँ। पत्रस कहता है कि जो लोग इस तरह पीछे मुड़कर नहीं देखते और अपने पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठे हैं, वे अंधे और अदूरदर्शी हैं। 2 पत्रस 1:9। ऊपर की ओर देखना, हमें ऊपर की ओर देखने की भी जरूरत है। हमें ऊपर देखना नहीं छोड़ना चाहिए और प्रभु की महिमा को ज्यादा से ज्यादा देखते रहना चाहिए। यीशु की ऐसी बहुत सी महिमा है जो हमने अभी तक नहीं देखी है। वो देखने के लिए हमें एक भूख होनी चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें उसी स्वरूप में बदलना चाहता है। हम जैसे जैसे प्रभु की महिमा को देखते हैं, वैसे वैसे हम नम्र और दीन होते जाएंगे, क्योंकि तब हमें अपनी स्वयं की जरूरत नजर आएगी। अपने जीवन के अंत तक नम्रता की दशा में बने रहने का यही रहस्य है। ऐसे व्यक्ति के लिए गर्व से भर जाना बहुत आसान होता है जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है और जिसे वो बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करता है। मैंने ऐसे बहुत से प्रचारक देखे हैं। परमेश्वर ने क्योंकि उन्हें इस्तेमाल किया है, इसलिए वे गर्व से भर गए हैं और लोगों से दूर हो गए हैं। वो कौन सी बात है जो हमारे जीवन के अंत तक हमें टूटेपन और दीन हीन दशा में बनाए रखेगी? सिर्फ एक ही बात, यीशु की ओर देखते रहना, जो हमारे विश्वास का कर्ता और उसे पूरा करने वाला है। जब हम यीशु की ओर देखते हैं तो गर्व करना हमारे लिए असंभव होता है। एक मनुष्य में तभी गर्व भरता है जब वह दूसरे लोगों की तरफ देखता है और ये कल्पना करने लगता है कि वह उनसे बेहतर है या उनसे ज्यादा अभिषिक्त है या उनसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है आदि। लेकिन अगर वह ऊपर की ओर यीशु को देखेगा
तो वो मन फिराकर मुंह के बल धूल में गिरेगा, जैसे पतमुस द्वीप में प्रेरित यूहन्ना गिरा था। और अगर वह यीशु की ओर देखता रहेगा तो वह अपना मुंह हमेशा धूल में ही रखेगा। हम में से हर एक को अपने मुंह धूल में रखना सीखना चाहिए। वह एक सुरक्षा की जगह है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके दिनों के अंत तक आपसे प्रसन्न रहे, तो ऊपर की ओर देखते रहिए। हमें कभी भी अंदर की ओर पहले नहीं देखना चाहिए। हमें पहले हमेशा ऊपर की ओर ही देखना चाहिए। हमें यीशु की ओर देखना चाहिए। और जब हम उसकी महिमा को देखते हैं, तो हमें अपना पाप नजर आएगा। अपने पाप देखने का ये सबसे अच्छा तरीका है, वरना हम निरुत्साहित होंगे। आगे की ओर देखना, हमें आगे की ओर भी देखना है, विश्वास से देखना है। परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत बातें तैयार की हुई है। उसने हमारे करने के लिए एक महान काम रखा हुआ है। हम नहीं जानते कि हमें कब इस संसार को छोड़कर जाना है, लेकिन इससे पहले कि प्रभु आए, हमें इस पृथ्वी पर उसके योग्य कुछ काम करने की अपेक्षा रखनी चाहिए। संसार में ज्यादातर लोग भविष्य की ओर डर और चिंता से देखते हैं, लेकिन हम विश्वास से देखते हैं। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में मूसा से कहा कि वह इजरायलियों से कहे कि वे हमेशा उस दिन की ओर अपेक्षा के साथ देखते रहे जब वे कनान में रहेंगे। व्यवस्था विवरण में उसने इजरायल के बहुत दूर भविष्य की नबुवत की। दोहराया जाना। व्यवस्था विवरण में हम एक बात देखते हैं। इसमें ऐसी बहुत सी बातें दोहराई गई है जो पहले ही मूसा की पुस्तकों में लिखी हुई थी। हमें इस दोहराए जाने से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें सत्य में जकड़ने के लिए बातों का दोहराया जाना जरूरी होता है। यही वजह है कि परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सी बातों को दोहराया है। यहूदा के राजाओं का इतिहास दो बार दोहराया गया है, पहले राजाओं की दोनों पुस्तकों में और फिर इतिहास की पुस्तकों में। नए नियम के आरंभ में यीशु की एक की जगह चार जीवनी आत्मकथा क्यों दी गई है? चारों सुसमाचारों में बहुत सी बातों को दोहराया गया है। कुछ घटनाओं का चार बार उल्लेख किया गया है। वे चारों सुसमाचारों में दर्ज है। इसका जरूर कोई बहुत अच्छा कारण होगा। कुलुसियों की पत्री में ऐसी बहुत सी बातें दोहराई गई है जिनका उल्लेख इफिसियों की पत्री में पहले ही हो चुका है। इससे हम ये सीखते हैं कि प्रेरितों को अपनी बातें दोहराने में कोई संकोच नहीं होता था। कुछ प्रचारक एक ही विषय पर दिए गए अपने संदेश को नहीं दोहराना चाहते, क्योंकि लोगों के सामने वे बदनाम नहीं होना चाहते। उन्हें लोगों की जरूरत पूरी करने से ज्यादा ये चिंता होती है कि लोग उनके विषय में क्या सोचेंगे। मैंने एक सुसमाचार प्रचारक के विषय में सुना, जिसने एक शहर में अपनी 7 दिन की सभाओं में प्रतिदिन एक ही विषय पर प्रचार किया। ये अवश्य है कि तेरा नया जन्म हो। एक व्यक्ति जिसने मन नहीं फिराया था, 7 दिन तक एक ही विषय पर हुए प्रचार को सुन सुन कर उकता गया और उसने प्रचारक से पूछा कि आप प्रतिदिन एक ही विषय, ये अवश्य है कि तेरा नया जन्म हो, पर ही क्यों प्रचार करते हैं? प्रचारक ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि ये अवश्य है कि तेरा नया जन्म हो। उसके सवाल का यही सही जवाब था। उस संदेश का तब तक दोहराया जाना जरूरी था जब तक कि उसका नया जन्म नहीं हो जाता। उसे और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। एक मरीज को तब तक एक ही दवा लेनी पड़ती है जब तक वह ठीक नहीं हो जाता।
इसी तरह अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं बार बार ये क्यों कहता हूँ पाप पर जय प्राप्त करें, तो मेरा ख्याल है कि इसका जवाब आपको मालूम है, क्योंकि ये जरूरी है कि आप पाप पर जय प्राप्त करें। पुरानी वाचा के नबी एक ही संदेश को बार बार इसलिए दोहराते थे क्योंकि इज़राइल के लिए ये जरूरी था कि वे उनके लिए दिए जा रहे परमेश्वर के संदेश को साफ तौर पर सुने। यिर्मयाह ने एक ही संदेश का प्रचार 40 साल तक किया, यहाँ तक कि वह स्वयं उस संदेश का प्रचार करते करते थक गया। लेकिन बहुत बार इससे पहले कि लोग सत्य को ग्रहण करने योग्य बन सके, उन्हें एक ही संदेश को 10 बार सुनाने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हमें एक ही श्रोता गण के सामने एक ही विषय पर बार बार प्रचार करने से लज्जित नहीं होना चाहिए। अगर हम अभिषिक्त जन हैं, तो संदेश में हर बार एक ताजगी होगी। अगर हम लोगों से आदर पाना चाहेंगे तो हम उसे नहीं दोहराएंगे, लेकिन अगर हम उनका भला चाहेंगे तो हम उसे तब तक दोहराएंगे जब तक वो उनकी समझ में नहीं आ जाता। ये एक और पाठ है जो हम व्यवस्था विवरण दूसरी व्यवस्था से सीखते हैं। व्यवस्था विवरण का आरंभ अध्याय 1-2 में इस कथन के साथ होता है, होरेब से सेइर पर्वत के मार्ग से होकर कादेश बरने तक 11 दिन की यात्रा है। होरेब से जहाँ इज़राइलियों को व्यवस्था दी गई थी, कादेश बरने जहाँ से उन्हें कनान में प्रवेश करना था, सिर्फ 11 दिन की यात्रा की दूरी थी, लेकिन उन्होंने प्रवेश नहीं किया। 11 दिन यात्रा फिर उनके लिए 38 साल की यात्रा हो गई। आप स्कूल की पढ़ाई की 12 कक्षाएं 12 सालों में सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं, या उसमें 20 साल भी लगा सकते हैं, ये आप पर निर्भर है। 11 दिनों और 38 साल में कितना फर्क है। अगर हमने परमेश्वर की इच्छा से बाहर रहते हुए अपने जीवन के 38 साल बर्बाद किए हैं, तो हम परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं उन वर्षों के लिए जो हमने अपनी मनमानी करने में, भोग विलास में और धन संपत्ति इकट्ठी करने में खर्च कर दिए हैं। अंत में आप ये कह सकते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अपने जीवन के 38 साल बर्बाद कर दिए हैं। क्या परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा? निश्चित रूप में कर देगा, लेकिन क्या वह आपको बर्बाद हो चुके 38 साल लौटा देगा? नहीं, सर्वसामर्थी परमेश्वर भी हमें बीता हुआ समय वापस नहीं दे सकता। क्या परमेश्वर गुजरा हुआ साल और उसमें रखे सारे मौके हमें फिर से दे सकता है? नहीं, वह हमें अगला साल दे सकता है, लेकिन वह हमें गुजरा हुआ साल नहीं दे सकता। जो मौके हमारे पास बीते हुए समय में थे, वे अब हमेशा के लिए खो चुके हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में 11 दिनों में कुछ करना चाहता है, तो हम ये सुनिश्चित करें कि उसमें 11 दिन से ज्यादा समय न लगे। अध्याय 2:14 में लिखा है कि मिस्र से निकलने के बाद इज़राइल को कादेश बरने पहुंचने में 2 साल लगे, लेकिन उन्हें कनान में प्रवेश करने में 38 साल का और समय लगा, जिससे कि उन्हें जंगल में कुल 40 सालों तक भटकना पड़ा। अगुवाई करने की योग्यता। अध्याय 1:13 में हम देखते हैं कि मूसा उसके द्वारा इज़राइल के लिए चुने जाने वाले अगुओं की योग्यताओं के विषय में निर्देश देता है। मैं चाहता हूँ कि आप उन 3 गुणों पर ध्यान दें जो उसने अगुओं में देखने चाहे, बुद्धि,
समझ और अनुभव। पहली योग्यता बुद्धि थी। बुद्धि ज्ञान से भिन्न होती है। ज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है। इसलिए जिनके पास चतुराई से भरे मस्तिष्क होते हैं, वे इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। बुद्धि बहुत सी पीड़ाओं और परीक्षाओं में से गुजरने से मिलती है। इसलिए जो विश्वास योग्य होते हैं, वे इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। जीवन की परिस्थितियों में ज्ञान को व्यावहारिक रूप में इस्तेमाल करना बुद्धि है। ये हो सकता है कि आपके पास बाइबल का बहुत सा ज्ञान हो, लेकिन कोई ईश्वरीय बुद्धि न हो। नीति वचन की पुस्तक बुद्धि प्राप्त पर बहुत जोर देती है, पवित्र शास्त्र को जानने पर नहीं, बल्कि परमेश्वर को जानने पर जोर देती है। बहुत से लोग जो बाइबल का अध्ययन करते हैं, ज्ञान का संग्रह कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान के वृक्ष में से मृत्यु उत्पन्न हुई थी। ज्ञान घमंडी बनाता है। 1 कुरिन्थियों 8:1। जीवन का वृक्ष बुद्धि देता है, जो ये सिखाती है कि हमें कैसे जीना है और जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में से कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए एक अगुए के लिए बुद्धि पहली योग्यता है। दूसरी योग्यता समझदारी थी। अगुवाई के लिए आज ये सबसे बड़ी जरूरत है। समझदारी से ये परख करने की योग्यता होना कि क्या ईश्वरीय है और क्या मानवीय है, ये नहीं कि क्या ईश्वरीय है और क्या शैतानी, क्योंकि वो तो आसान होता, लेकिन उसमें फर्क कर पाना मुश्किल होता है जो परमेश्वर का है और जो मनुष्य का है, उसमें जो आत्मिक है और जो जैविक है। बहुत बार लोग ये कहते हैं, आखिरकार हम मनुष्य ही तो है, लेकिन पौलुस ने कुरिन्थियों के विश्वासियों को साधारण मनुष्यों जैसा होने के लिए डांटा था। 1 कुरिन्थियों 3:3। हमें साधारण मनुष्यों जैसा आचरण नहीं करना है, हमें यीशु मसीह की तरह होना है। वह जो मसीह में बना रहता है, मसीह की तरह चलता है। 1 यूहन्ना 2:6। एक आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य के बीच का फर्क जान लेना आसान होता है, क्योंकि शारीरिक मनुष्य अपना जीवन पाप में बिताता है, लेकिन हमें एक आत्मिक मनुष्य और एक जैविक मनुष्य के बीच का फर्क जानना जरूरी है, क्योंकि एक जैविक मनुष्य अपनी मानवीय क्षमताओं के अनुसार जीता है। जब आप एक व्यक्ति को बोलता हुआ सुने, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि वह अपने हृदय में से बोल रहा है या अपने मस्तिष्क में से बोल रहा है। जो मनुष्य के मस्तिष्क में से निकलता है, वह दूसरे लोगों के मस्तिष्क में ही जाता है, लेकिन जो एक मनुष्य के हृदय में से निकलता है, वह लोगों के हृदय में जाता है। बाइबल हमारे हृदय के लिए लिखी गई है, हमारे मस्तिष्क के लिए नहीं। भजनकार ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में संचित किया है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। भजन संहिता 119:11। तीसरी योग्यता अनुभव थी। आप युवावस्था में काफी बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, आप में समझ भी हो सकती है, लेकिन एक ईश्वरीय अगुआ होने के लिए आपके पास अनुभव होना भी जरूरी है, और अनुभव पाने में समय लगता है। अनुभव विभिन्न परीक्षाओं में टूटने के द्वारा आता है, और उन्हीं परीक्षाओं में परमेश्वर की सामर्थ और उत्साह का स्वाद मिलता है। 2 कुरिन्थियों 1:4। जो बल हम परीक्षाओं में से पाते हैं, वही दूसरों के लिए हमारी सेवकाई होती है। मूसा ने फिर उन न्यायियों से कहा कि वे न्याय करने में पक्षपात न करें, छोटे और बड़े दोनों की एक समान सुने। पद 17। अगुओं में
इस योग्यता का होना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें कभी किसी धनवान को प्रसन्न नहीं करना चाहिए। जब मैं एक युवा विश्वासी था, तब जहाँ भी मैं गया, मैंने हर एक कलीसिया में ये देखा कि अगर एक व्यक्ति समाज में प्रभावशाली है, जैसे कि कोई सरकारी अधिकारी या धनवान व्यापारी, तो वह कलीसिया की महासभा का सदस्य होता था। मैं सोचता था कि ऐसा क्यों होता है। यकीनन संसार का हर एक बड़ा व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता। असल में बाइबल तो ये कहती है, परमेश्वर ने संसार के निर्धनों को विश्वास में धनवान होने के लिए चुना है, याकूब 2:5। ये स्पष्ट था कि ये लोग उनके सांसारिक प्रभाव की वजह से चुने गए थे। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वे कलीसियाएं जल्दी ही विश्वास से भटक गई थी। याकूब अध्याय 2 में जिस पक्षपात के खिलाफ हमें चेतावनी दी गई थी, उन कलीसियाओं ने वही पक्षपात किया था। तब मैंने ये फैसला किया था कि अगर प्रभु ने मेरे परिश्रम द्वारा कभी कोई कलीसिया स्थापित की, तो मैं प्रभावशाली लोगों को नहीं, आत्मिक लोगों को अगुओं के रूप में नियुक्त करूंगा। और प्रभु ने हमारे द्वारा जितनी भी कलीसियाएं स्थापित की है, उनमें हमने यही किया है। मनुष्य से भयभीत न होना, मूसा ने अगुओं से कहा, पद 17। अगर आप एक अगुए होना चाहते हैं, तो आपको किसी मनुष्य से भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर की व्यवस्था को तरोताजा करते हुए दोहराना, अध्याय 2:2-3। और प्रभु ने मुझसे ये कहा, तुम लोग काफी समय से इस पर्वत का चक्कर काटते रहे हो। परमेश्वर ने उनसे कहा कि वे गोल गोल घूमे जा रहे थे। क्या प्रभु को हम में से किसी से भी कभी यही बात कहनी पड़ी है? अगर हम आत्मिक रीति से एक ही जगह पर बने रहेंगे, तो हम यही कर रहे हैं। गतिशीलता प्रगति नहीं होती। ऐसा न हो कि हम आज भी उन्हीं पापों से हार रहे हो जो 10 साल पहले हमें हरा रहे थे। हम आज उस तरह क्रोध और लालसा न करें जैसे हम 10 साल पहले किया करते थे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम गोल गोल ही घूम रहे हैं। प्रभु अब हमें आगे बढ़ने के लिए बुला रहा है। अध्याय 4:2 कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उनमें न तो कुछ जोड़ना और न कुछ घटाना। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन की छोटी से छोटी आज्ञा भी महत्वपूर्ण है? वे कौन सी परीक्षा है जिनका सामना हमें परमेश्वर के वचन में करना पड़ता है? महत्वपूर्ण आज्ञाओं को नहीं, बल्कि छोटी आज्ञाओं को अनदेखा करना। मैं ऐसे अनेक विश्वासियों से मिला हूँ जिनका ये मानना है कि क्योंकि कुछ आज्ञाएं छोटी है, इसलिए हम उन्हें अनदेखा कर सकते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, जो भी इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़ेगा, वह नरक में नहीं जाएगा, लेकिन वह परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा कहलाएगा। लेकिन वह जो उनका पालन करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा, वह परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। मत्ती 5:19। हम अपने छोटे बच्चों के आज्ञा पालन की परख कैसे करते हैं? बड़ी बातों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में। मान लीजिए कि आपका 5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, और आप उससे कहते हैं, बेटा आज किसी की हत्या मत करना, किसी के साथ व्यभिचार मत करना, कोई बैंक मत लूटना, और वह प्रतिदिन
स्कूल से वापस आकर आपसे कहे, पिताजी मैंने आपकी सारी आज्ञाओं का पालन किया है। लेकिन क्या आप इन बातों में उसका आज्ञा पालन परखते हैं? ऐसी प्रमुख आज्ञाओं में नहीं। मैं बताता हूँ कि आप किन बातों में उसके आज्ञा पालन को परख सकते हैं। वो आप तब कर सकते हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ आपके घर के बाहर खेल रहा होता है और आप उससे कहते हैं, बेटा अब घर आ जाओ, तुम काफी खेल चुके हो, अब घर में आकर अपनी माँ की कुछ मदद करो। उसका जवाब अपरिवर्तनीय रूप में यही होगा, जरा ठहर जाइए ना पिताजी, मैं ये खेल पूरा कर अभी आता हूँ। ये वो जगह है जहाँ आप उसका आज्ञा पालन परख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर आपका आज्ञा पालन कैसे परखता है? अपने वचन की मामूली आज्ञाओं में। परमेश्वर के वचन में से कुछ घटाने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है छोटी आज्ञाओं को अनदेखा करना। परमेश्वर के वचन में जोड़ना क्या होता है? अनेक मसीही समूहों में ऐसे नियम बनाए गए हैं जो परमेश्वर के वचन में नहीं है। कुछ लोगों ने ये नियम बना रखा है कि उनके पूर्णकालिक सेवकों को सफेद कपड़े ही पहनने हैं, क्योंकि वो ज्यादा आत्मिक नजर आता है। काश आत्मिक हो जाना इतना ही आसान होता, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। इसी तरह का एक नियम ये भी है कि जो पूरा समय प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उन्हें अपनी रोटी खुद कमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पौलुस अपनी रोटी खुद कमाता था और वो परमेश्वर का सबसे बड़ा सेवक था। क्या हम पौलुस से बढ़कर हैं? कुछ लोग ये सिखाते हैं कि पवित्र होने के लिए अविवाहित रहना चाहिए, लेकिन पौलुस और बरनाबास के अलावा बाकी सभी शिष्य विवाहित थे। 1 कुरिन्थियों 9:5। या वे ये सिखाते हैं कि हमें वर्ष में इतने दिन उपवास करना चाहिए या दिन में इतने घंटे प्रार्थना करनी चाहिए आदि। प्रचारकों द्वारा बनाए गए ऐसे और भी बहुत से नियम हैं जो विश्वासियों को सिर्फ दोषी ठहराते हैं और उन्हें बंधनों में जकड़ते हैं। लेकिन ऐसे कोई भी नियम पवित्र शास्त्र में नहीं मिलते। ये नियम आज के फरीसियों द्वारा बनाए गए हैं। मैं उपवास करने में विश्वास करता हूँ, लेकिन हमें उसे एक नियम नहीं बना देना चाहिए। इनके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो प्रचारक सिखाते हैं, जो परमेश्वर के वचन में जोड़ते हैं। वे परमेश्वर से भी ज्यादा आत्मिक होने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा यही होता है कि शारीरिक और विधिवादी हो जाते हैं। जब शैतान ने हव्वा के पास आकर बोला कि परमेश्वर ने उनसे क्या कहा था, तो हव्वा के जवाब में परमेश्वर के वचन में से घटाना और बढ़ाना दोनों था। उसने कहा, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि इस पेड़ में से न तो खाना और न ही इस पेड़ को छूना, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। परमेश्वर ने उनसे पेड़ को छूने के विषय में कुछ नहीं, सिर्फ उसमें से खाने के विषय में कहा था। लेकिन हव्वा परमेश्वर से भी ज्यादा आत्मिक बन गई और उसने उसमें छूना भी जोड़ दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उसने न सिर्फ उसे छुआ बल्कि उसमें से खाया भी। जब लोग परमेश्वर के वचन में जोड़ने लगते हैं, तो उसका यही नतीजा होता है, वे पाप में गिर जाते हैं। हव्वा ने
परमेश्वर के वचन की गहनता को घटाते हुए ये भी कहा, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, जिसमें उसने ये संकेत दिया कि मृत्यु निश्चित न होकर सिर्फ एक संभावना थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा था, तुम अवश्य ही मर जाओगे। अगर हम परमेश्वर के वचन में घटाते या बढ़ाते हैं, तो ऐसा करते हुए हम उसे अमान्य ठहराते हैं। उत्पत्ति 2:16-17 और 3:2-3, अध्याय 4 के पद 24 और 31 में परमेश्वर के विषय में हम दो कथन पढ़ते हैं। परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है और परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वह एक भस्म करने वाली आग भी है। परमेश्वर की महिमा को यीशु में देखा गया, कृपा और सत्य से भरपूर, यूहन्ना 1:14। परमेश्वर दयालु और पवित्र है। एक व्यक्ति जो वास्तव में एक सच्चा भक्त ईश्वरीय है, वह परमेश्वर जैसा होगा, पवित्र और दयालु। एक आत्मिक अगुआ होने के लिए आपको सिंह जैसा और मेमने जैसे होना है, क्योंकि यीशु मसीह भी ऐसा ही था। यीशु के शब्द ज्वलंत अग्नि के समान है और अत्यधिक संवेदना से भरे हुए भी है। ऐसा न सोचिए कि जो व्यक्ति संवेदना से भरा है वह एक आत्मिक व्यक्ति है, और जो प्रज्वलित या जलाली और सख्त है वह आत्मिक मनुष्य नहीं है। दोनों ही असंतुलित है। परमेश्वर की महिमा कृपा और सत्य से भरपूर है। अध्याय 4:29 में मूसा ने कहा, इज़राइली अगर अपने पूरे मन व पूरे जीव से परमेश्वर को ढूंढेंगे तो वह उन्हें मिल जाएगा। यिर्मयाह ने यिर्मयाह 29:13 में यही कहा है। बहुत से लोग परमेश्वर को इसलिए नहीं पाते क्योंकि वे उसे सिर्फ इतनी ही ईमानदारी से खोजते हैं, जितना कि वे रात के समय घास में गिरे 10 पैसे के सिक्के को ढूंढते हैं। आप उस सिक्के को कितनी देर तक ढूंढेंगे? आप कुछ समय तक उसे ढूंढेंगे, और अगर वह नहीं मिलेगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप 10,000 रुपये की गड्डी कहीं रख कर भूल गए तो उसे आप कितनी देर तक ढूंढेंगे? क्या आप परमेश्वर को इस तरह ढूंढते हैं? जो परमेश्वर को यत्न से खोजते हैं उन्हें वह प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6। आप परमेश्वर को कितने बेसब्री से खोजते हैं? आप कितने आग्रही होकर पाप पर जय पाने की खोज में रहते हैं? आप अपने क्रोध और अपनी लैंगिक वासना पर जय पाने के लिए कितने इच्छुक होते हैं? आप पवित्र शास्त्र को समझने और परमेश्वर के राज्य में उपयोगी होने के प्रति कितने जिज्ञासु रहते हैं? आप कितनी बेसब्री से पवित्र आत्मा से भरे जाने की खोज में रहते हैं? एक बार नहीं, बल्कि बार बार अपने मसीह जीवन में आप निरंतर तरोताजा रहने के लिए कितने आतुर होते हैं? अगर आपने अब तक ये बातें प्राप्त नहीं की है, जो कि सब आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपने अब तक पूरे हृदय से परमेश्वर को नहीं खोजा है। यीशु ने हमें सिखाया है
कि हम तब तक मांगे, ढूंढे और खटखटाए जब तक कि हमारा पिता स्वर्ग में से हमें जवाब न दे दे। मूसा यहाँ यही सिद्धांत सिखा रहा था। अध्याय 5 में हम 10 आज्ञाओं का दोहराया जाना पाते हैं। यहाँ पर 15 में विश्राम दिन सब मनाने का एक और कारण दिया गया है। उन्हें विश्राम दिन इस वास्तविकता को याद करने के लिए मनाना था कि उन्हें मिस्र में से छुटकारा उनकी अपनी ताकत से नहीं मिला था, उन्हें मिस्र में से प्रभु छुड़ा कर लाया था। उन्होंने 430 साल तक कोशिश की थी लेकिन वे आजाद नहीं हो पाए थे। फिर प्रभु ने उन्हें एक ही रात में आजाद कर दिया। ये विश्राम दिन का संदेश था। वह मनुष्य जो परमेश्वर में भरोसा रखता है, उस मनुष्य से ज्यादा हासिल कर पाता है जो गतिविधियों में व्यस्त रहता है। लेकिन इजरायली लोग इस शिक्षा को बहुत जल्दी भूल गए। हम उनके इतिहास में फिर बाद में पढ़ते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और ज्यादा धनवान होने के लिए विश्राम दिन में भी काम किया। परमेश्वर ने हालांकि उन्हें 7वें साल भूमि को विश्राम देने के लिए कहा था, फिर भी वे उसे जोतने बोने का काम करते रहे थे। लेकिन अपने उस सारे परिश्रम का उन्हें क्या प्रतिफल मिला? परमेश्वर ने उन्हें एक बार फिर 70 साल के लिए बेबीलोन में बधुआई में भेज दिया। लेकिन जो परमेश्वर में भरोसा रखता है वह अपने सभी संघर्षों में से विश्राम पाता है। वैसे ही जैसे परमेश्वर ने अपने काम से सप्त के दिन विश्राम किया था, ये विश्राम दिन का संदेश है। इब्रानियों 4:9-10। अध्याय 5:29 में अपने लोगों के लिए हम परमेश्वर की सबसे बड़ी अभिलाषा पाते हैं। पवित्र शास्त्र में काश ऐसा हो, ये वाक्यांश बड़ा दुर्लभ है, लेकिन यहाँ हम परमेश्वर को इसका उपयोग करते देखते हैं। काश ऐसा हो कि उनका मन सदा ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदा भलाई होती रहे। परमेश्वर की ये अभिलाषा है कि हमारे साथ और हमारे वंश के साथ सदा भलाई होती रहे। क्या आप ये जानते हैं? वह चाहता है कि हमारे लिए सब कुछ सर्वश्रेष्ठ हो और उसने हमें अपनी आज्ञाएं दी है कि हमारे साथ भलाई होती रहे। बाइबल निर्माता के निर्देश है। अगर आप बिजली से चलने वाला कोई महंगा उपकरण खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक निर्देश पुस्तिका भी मिलती है जिसमें उस उपकरण के उपयोग के लिए आपको निर्देश दिए जाते हैं। आप बहुत ध्यान से उन निर्देशों का पालन करते हैं क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि वो महंगा उपकरण फूक जाए या खराब हो जाए। उसके निर्माता बनाने वाले का अक्सर पहला निर्देश यही होता है कि जब तक आप उन सब निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ न ले तब तक आप उस उपकरण को न तो चलाए और न ही उसका इस्तेमाल करें। हमारा निर्माता कौन है? परमेश्वर। और बाइबल वह पुस्तक है जिसमें मनुष्य के रूप में हमारे सही तरह काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर आप
इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन या विवाह को बर्बाद कर लेंगे। बहुत से लोगों ने यही किया है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के तरीके से काम नहीं किया है। इसके लिए वे किसे दोषी ठहरा सकते हैं? स्वयं अपने आप के अलावा और किसी को नहीं। बहुत से विश्वासियों ने भी अपने जीवन को खराब कर लिया है क्योंकि उन्होंने निर्माता के निर्देशों का पालन नहीं किया है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी मेरा मानना है कि सबसे पहला काम पवित्र शास्त्र के निर्देशों का पालन करना ही है। जो प्रभु कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला हूँ, तो असल में वो कह रहा है, मैं तेरा स्वास्थ्य हूँ। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें स्वस्थ होना चाहिए। और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, उसके विषय में दिए गए कुछ नियम आपको मानने होंगे। एक पेटू व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है, मेरे वचनों पर कान लगा, क्योंकि वे तेरे पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य है। नीति वचन 4:20-22। इसी तरह आत्मिक होने के लिए आपको आत्मिकता के विषय में कुछ नियमों को मानना पड़ेगा। अगर आप कृपा चाहते हैं तो आपको नम्र और दीन होना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है। ये आत्मिक नियम है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपका भला होगा। अध्याय 6:4 में हम पढ़ते हैं, हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु एक है। हम तीन परमेश्वरों की आराधना नहीं करते। परमेश्वर एक में तीन व्यक्ति है। फिर पद 5 में पहली आज्ञा का वर्णन एक दूसरे ढंग से किया गया है। मत्ती 22:37 में यीशु ने इसका उल्लेख किया था, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय अपने सारे जीव और अपने सारे बल से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। इसका अर्थ है कि हमारे हृदय में परिवार, संपत्ति, नौकरी या धन के लिए कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि हमने अपना सारा हृदय परमेश्वर को दे दिया है। निर्माता के निर्देश वाली पुस्तक में ये सबसे पहला निर्देश है। इस आज्ञा का पालन किए बिना मानवीय उपकरण का उपयोग न करें। जब आप अपने सारे हृदय से प्रभु से प्रेम करेंगे, तब उसका परिणाम क्या होगा? आप अपनी पत्नी से और भी अच्छी तरह प्रेम कर सकेंगे। आप अपने पड़ोसी से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेम कर सकेंगे और आप अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर सकेंगे, क्योंकि आपके हृदय में फिर घृणा नहीं होगी। अपने सारे हृदय से परमेश्वर से प्रेम न करने की वजह से ही ईर्ष्या, घृणा, कड़वाहट जैसे और भी दूसरे पाप पैदा होते हैं। आपके हृदय का वो भाग जो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, वह ईर्ष्या से भर जाता है। हम पाप पर प्राथमिक तौर पर
उससे लड़कर जय नहीं पाते, बल्कि हम अपने सारे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करने द्वारा पाप पर जयवंत होते हैं। जब हम अपने सारे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब हमारे अंदर से धन और संपत्ति का प्रेम और सभी दुष्ट लालसाएं निकल जाती है। एक ऐसी लड़की के विषय में सोचिए जो एक व्यक्ति से प्रेम करती है, लेकिन वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। उसके माता पिता ने उस प्रेम में आगे बढ़ने से उसे रोकना चाहा, लेकिन वे उसे समझाने में नाकाम रहे। फिर एक दिन उस लड़की को एक ज्यादा सुंदर, ज्यादा धनवान और ज्यादा सुशील व्यक्ति मिला। अचानक ही पहले व्यक्ति के प्रति उसका प्रेम लुप्त हो गया। ये कैसे हो गया? इसे एक नए प्रेम की बेदखल करने वाली शक्ति कह सकते हैं। एक नए प्रेम ने एक पुराने प्रेम को निष्कासित कर दिया। इस बात को मसीही जीवन पर लागू कीजिए। आप अपनी बुरी आदतें छोड़ने की कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आप उन लालसाओं से प्रेम करते हैं। फिर एक दिन आप यीशु की महिमा को देखते हैं और आप उससे अपने पूरे हृदय से प्रेम करने लगते हैं। तब क्या होता है? तब ये नया प्रेम पुराने अनुरागों को बाहर निकाल देता है। तब हमें इस संसार की वस्तुओं से कोई प्रेम नहीं रहता। ये एक नए प्रेम की बेदखल करने वाली निष्कासन शक्ति है। ये पाप पर जय पाने का भेद है। अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे जीव से प्रेम कर, जिसका अर्थ अपनी सारी बौद्धिक शक्ति से प्रेम करना है। अगर परमेश्वर ने आपको एक तेज दिमाग दिया है, तो वह इसलिए नहीं कि आप उससे बहुत सारा धन कमाएं या इस संसार में बड़ा नाम कमाकर बहुत महान व्यक्ति बन जाए। नहीं, अगर प्रेरित पौलुस चाहता तो वह किसी भी क्षेत्र में बहुत सफल हो सकता था, क्योंकि वह एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। वह एक श्रेष्ठ व्यापारी बन सकता था, और अगर वह आज होता तो कंप्यूटर विज्ञान का एक विलक्षण विद्वान होता। लेकिन उसने ये फैसला किया कि वह अपनी सारी क्षमताएं परमेश्वर को और सिर्फ परमेश्वर को ही अर्पित करेगा। इस तरह उसने अपने जीवन का सदुपयोग किया था। आपने अपनी क्षमताओं, योग्यताओं का क्या उपयोग किया है? अध्याय 6-7 में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को सुबह से रात तक हर समय हर तरह की परिस्थितियों में परमेश्वर की बातें सिखाया करें। अध्याय 7:1-6 में इज़राइल से ज्यादा बड़े और ज्यादा शक्तिशाली ऐसे 7 देशों के विषय में बताता है जिन्हें पूरी तरह से हरा कर खत्म करने की योग्यता परमेश्वर इज़राइल को देने वाला था। ये उस जय का चित्र है जो परमेश्वर हमें हरेक पाप पर देना चाहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में अंक 7 एक सिद्ध संख्या है, वो पूर्णता दर्शाता है। ये स्पष्ट था कि परमेश्वर ही इज़राइल के शत्रुओं को इज़राइल के हाथों में देने वाला था, क्योंकि इज़राइल के शत्रु उससे ज्यादा शक्तिशाली थे।
हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी सारी लालसाएं, वासनाएं हमसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। सिर्फ प्रभु ही हमें उन पर जय पाने योग्य बना सकता है। जब परमेश्वर हमें धन से आशीषित करता है, अध्याय 8 एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। जब यीशु को जंगल में परखा गया तो हर बार उसने आत्मा की तलवार परमेश्वर के वचन से शैतान को हराया। उसने शैतान के साथ कोई चर्चा या बहस नहीं की। शैतान ने जो कुछ कहा उसका यीशु के पास एक ही जवाब था, ऐसा लिखा है। तीनों परीक्षाओं में उसने पुरानी वाचा के 2 अध्यायों का उद्धरण दिया। व्यवस्था विवरण 8:3 पहला था, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। दूसरे 2 उद्धरण व्यवस्था विवरण 6:16 में से थे, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना, और व्यवस्था विवरण 6:13, तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी की आराधना न करना और सिर्फ उसी की सेवा करना। इसे हम समझ सकते हैं कि यीशु ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक का अध्ययन किया था। अगर हमें ये मालूम हो कि वह कहाँ लिखा है तो हमारे जीवन में हमारे सामने आने वाली हर एक परीक्षा और हर एक समस्या का जवाब परमेश्वर के वचन में मौजूद है। मैंने अपने जीवन में आज तक किसी ऐसी समस्या का सामना नहीं किया है जिसका जवाब मुझे परमेश्वर के वचन में नहीं मिला है। यही वजह है कि मैं हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन का छात्र होने के लिए उत्साहित करना चाहता हूँ। अपनी किशोरावस्था से ही परमेश्वर के वचन का अध्ययन कीजिए और जब फिर आपके सामने पहाड़ और नदियाँ आएगी तो आप उन पर से गुजरते हुए परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकेंगे। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर की सहायता से शहर पनाह को लांग सकता हूँ। भजन 18:29। हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। अगर आप खोजना जानते हैं तो बाइबल में आपके लिए जवाब मौजूद है। यीशु ने एक किशोर और एक युवक के रूप में पवित्र शास्त्र का गहन अध्ययन किया था, इसलिए उसके पास हर एक परीक्षा के लिए जवाब था। शैतान उसे धोखा नहीं दे सकता था। अध्याय 8:11-15 में मूसा ने उन्हें चेतावनी दी, सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू अपने परमेश्वर को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ उन्हें मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खा पी कर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर तू उसमें रहने लगे और तेरे गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और संपत्ति बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर को भूल जाए जो तुझे मिस्र
अर्थात दासत्व के देश में से निकाल लाया और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहां तेज विष वाले सांप और बिच्छू है। हमारे लिए परमेश्वर को याद रखना तब आसान होता है जब हम जंगल में होते हैं या जब हम उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन जब हम आशीष पाते हैं और धनवान हो जाते हैं उस समय परमेश्वर को याद रखना आसान नहीं होता। नूह जब अपना जहाज बना रहा था तब वह इतना व्यस्त था कि उसके पास मदिरा पीकर मतवाला होने का समय नहीं था। लेकिन जब वह जल प्रलय में से बच गया और पृथ्वी के एकमात्र परिवार के जयवंत मुखिया के रूप में जहाज से बाहर आया तो वह मदिरा पीकर मतवाला हो गया। दाऊद जब शाऊल से बचने के लिए एक गुफा से दूसरी गुफा में भागता फिर रहा था तब उसने अद्भुत भजन लिखे और उस समय वह परमेश्वर के बहुत नजदीक था। लेकिन जब उसे बहुत आराम मिल गया और वह बहुत धनवान हो गया और उसे स्वयं युद्ध पर जाने की जरूरत नहीं रही और वह अपने युद्धों में दूसरों को भेजने वाला और स्वयं महल में आराम करने वाला हो गया तब उसने बतशेबा के साथ पाप किया। अगर उस दिन वह युद्ध में गया होता तो उसने बतशेबा को न देखा होता। 2 शमूएल 11:1। सुलेमान ने इसलिए पाप किया क्योंकि वह बहुत चैन आराम और सुख वैभव में रह रहा था। इज़राइल ने मूर्तियों की पूजा करना कब शुरू किया था? उन्होंने जंगल के 40 सालों में सोने के बछड़े की घटना के अलावा कभी मूर्ति पूजा नहीं की थी। लेकिन कनान में आने के बाद बहुत जल्दी उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास भरपूरी से है तब हम खतरे में पड़ जाते हैं। अगर हम आर्थिक रूप से संकट में हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। ये परमेश्वर के नजदीक बने रहने में आपकी मदद करेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जब हमारे पास बहुत हो तो हमें परमेश्वर को भूल जाना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तब परमेश्वर को याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। यीशु ने ये कहा कि एक धनवान व्यक्ति के लिए स्वर्ग में जाना मुश्किल है। उसने ये नहीं कहा कि ये असंभव है। इसलिए किसी ऐसे भाई से ईर्ष्या न कीजिए जिसके पास बहुत है। उसके लिए परमेश्वर के नजदीक रहना ज्यादा मुश्किल है। इस बात के लिए धन्यवाद दे कि आपके पास उससे कम है। उसमें आपका उद्धार रखा हो सकता है। अगर आपके पास दूसरों की तरह बार बार बदलने के लिए कपड़ों के बहुत से जोड़े नहीं है तो उनसे ईर्ष्या न करें। अगर आपको नजर आ सके तो असल में आपकी स्थिति उनसे अच्छी है। ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या न करें जिसके पास आपसे बड़ा घर है या जिसके पास आपसे ज्यादा धन है। ऐसे लोग ज्यादा बड़े खतरे में है। ये फैसला परमेश्वर पर छोड़ दे कि वो आपको क्या देना चाहता है। थोड़े में भी संतुष्ट रहिए। मैंने देखा है कि कितने प्रचारकों ने भरपूरी द्वारा अपना नाश किया है। उनसे हमें सीखना चाहिए।
एक समझदार मनुष्य दूसरों की गलतियों से सीखता है। अध्याय 9 से 11 में मूसा इज़राइलियों की नई पीढ़ी को उनके पूर्वजों के इतिहास में से चेतावनी देता है, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था और मर गए थे। वो उन्हें दोबारा चेतावनी देता है कि परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। अध्याय 11:21 में केजेवी के अनुसार मूसा ने उन्हें बताया कि उनके लिए परमेश्वर की अभिलाषा ये है कि जब तक पृथ्वी के ऊपर का स्वर्ग बना रहेगा, तब तक तुम और तुम्हारे वंशज भी उस देश में बढ़ते रहेंगे। परमेश्वर की हम सब के लिए यही इच्छा है कि पृथ्वी पर हमारे दिन स्वर्ग के दिनों की तरह हो। परमेश्वर अब भी यही चाहता है कि हमारे घरों और कलीसियाओं में हमें स्वर्ग के आनंद, शांति, प्रेम, शुद्धता और अच्छाई का पूर्व स्वाद मिलता रहे। मैंने इसका थोड़ा अनुभव पाया है, इसलिए मेरा जीवन और मेरी सेवकाई मेरे लिए एक बोझ समान नहीं रही है, जरा भी नहीं। मैं आनंदित रहा हूँ और मैं हर एक दिन उत्साह से भरा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पृथ्वी के नहीं स्वर्गीय सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताया है। अपना मसीही जीवन शुरू करते समय ऐसा कर पाना आसान होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से 40 साल बाद भी आप अपना जीवन पृथ्वी के नहीं स्वर्गीय सिद्धांतों के अनुसार ही बिताने के प्रति संकल्पबद्ध रहे। अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखे, जिसने अंत तक धीरज से सब सहा, इसलिए कि पृथ्वी पर आपके दिन स्वर्ग के दिनों के समान हो सके। परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है। अध्याय 11:24 कहता है, जिस जिस स्थान पर तेरे पाँव पड़ेंगे वह स्थान तेरा हो जाएगा। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम हर एक स्थान में उसकी इच्छा पूरी करें, कि हम हर एक निर्बलता पर जय पाए। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें दृढ़ता से अपना पाँव रखना है और शैतान को अपने पाँव के नीचे कुचलते हुए उस पर जय प्राप्त करनी है। अध्याय 12:26 में विभिन्न नियम विधियां या तो दोहराए गए हैं या नए सिरे से दिए गए हैं। झूठे नबी। अध्याय 13 में झूठे नबियों के विषय में एक दिलचस्प भाग है। ये लेखांश आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मसीही जगत में झूठे नबियों की भरमार है। हमें यह बताया गया है कि परमेश्वर झूठे नबियों को हमारे रास्तों में आने देता है कि हमारी परख हो सके। झूठे नबी और भरमाने वाले लोग वे प्रमुख माध्यम है जिनके द्वारा परमेश्वर हमारी असली अभिलाषाओं और लालसाओं को परखता है। प्रभु कहता है, तुम्हारे बीच अगर कोई नबी या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और उस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाणित कर दे, 13:1-2, परमेश्वर ऐसे भरमाने वाले की बातों को इसलिए पूरा होने देता है कि वह हमें परख सके। मसीही जगत में आज ऐसे बहुत से झूठे नबी हैं जिनके परमार्श कक्ष है और परमार्श
शुल्क है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चिकित्सकों के, मेडिकल डॉक्टर्स के होते हैं। उनकी नबूवतों के लिए आपको उन्हें एक धनराशि चुकानी पड़ती है, क्योंकि वे आपसे इसकी अपेक्षा करते हैं। ये झूठे नबी आपके रुपए लेने के लिए इन दो तरीकों में से एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। पहले तो वे आपकी चापलूसी करते हुए ये बताएंगे कि आपने जो योजना बनाई है उसमें आप अवश्य ही सफल होंगे, चाहे वो किसी अरब देश में जाना हो या किसी पश्चिमी देश में या और कुछ भी। इस तरह वे आपको प्रसन्न कर देंगे कि फिर उन्हें आपसे एक कीमती भेंट मिल सके। फिर जो नबुवत उन्होंने की है वही काम खुद करते हुए उनकी नबुवत को आप स्वयं ही पूरा कर देंगे। भरोसे में लेकर धोखा देने वालों की ये एक पुरानी युक्ति है, ये एक मनोवैज्ञानिक युक्ति है जिसे आत्मपूर्ति या स्वसंतुष्टि भविष्यवाणी कहते हैं। इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप जहां जाना चाहते थे वहां जाने के लिए नबी से आपको परमेश्वर से स्वीकृति मिल गई है। नबी भी प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसे एक कीमती भेंट मिल गई है। शैतान भी प्रसन्न हो जाता है क्योंकि उसने उस झूठे नबी और आपको भरमा दिया है। इसमें सिर्फ परमेश्वर और स्वर्ग के दूतों को ही कोई प्रसन्नता नहीं होती। और उनका दूसरा तरीका ये होता है कि वे आपके ऊपर मंडरा रहे किसी ऐसे खतरे की चेतावनी देकर आपको डराते हैं जिसके विषय में आपको कोई जानकारी नहीं है। वे आपको बताएंगे कि शैतान आपके पीछे लगा है, लेकिन वे आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप उस खतरे में से बच जाओ। इस तरह भी वे आपके रुपए ऐंठते हैं, क्योंकि किसी अस्तित्वहीन खतरे से आपको बचा लेने के लिए आप उनके बहुत आभारी हो जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में उनका उद्देश्य आपकी जेब तक पहुंचना होता है, लेकिन वे आपको मसीह की भक्ति से बहुत दूर ले जाएंगे। प्रभु कहता है, तुम उस नबी या स्वप्न देखने वाले की बात पर ध्यान न देना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ये जानने के लिए तुम्हें परख रहा है कि तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करते हो या नहीं। पद 3। ये झूठे नबी स्वर्गीय नहीं, हमेशा पृथ्वी की बातों पर जोर देते हैं। वे लोगों को आत्मिक नहीं भौतिक बातों में लगाए रखते हैं। उनका संदेश यही होता है, आओ हम दूसरे ईश्वरों के पीछे जाए, महत्वाकांक्षा, धन, सुख, भोग आदि के ईश्वर। पवित्र शास्त्र कहता है कि ऐसे झूठे नबी को मृत्यु दंड दिया जाए। 13:5। हम इस वचन को आज के संदर्भ में कैसे लागू कर सकते हैं? ये मान लेने द्वारा कि ऐसे नबी का कोई अस्तित्व नहीं है, दूसरे शब्दों में उससे किसी तरह का कोई संबंध रखे, ये निर्माता के निर्देश है। अगर हम इन्हें मानेंगे तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। विभिन्न व्यवस्थाएं, अध्याय 14 में उन पशुओं और जंतुओं की सूचियां है जिन्हें इजरायली नहीं खा सकते थे। ये उन्हीं बातों का दोहराया जाना है जो इजरायल की पिछली पीढ़ी से लय व्यवस्था 11 में कही गई थी। प्रतीकात्मक रूप में इन नियमों द्वारा इजरायलियों को
पवित्र होने और परमेश्वर के लिए अलग किए जाने का अर्थ सिखाया जाना था। आज ये नियम हम पर लागू नहीं होते। यीशु ने सभी प्रकार के खाने को शुद्ध ठहराया था। मरकुस 7:19। पौलुस ने इस बात पर जोर दिया कि पवित्रता कुछ खास तरह के खाने न खाने से नहीं आती और स्पष्ट कहता है कि जब हम प्रार्थना करके खाते हैं तो सभी खाना शुद्ध हो जाता है। 1 तिमोथियस 4:1-5। अध्याय 15 विश्राम सप्त के वर्ष में लोगों को मुक्त करने के विषय में बात करता है। अगर उनके बीच में कोई गरीब व्यक्ति हो तो उन्हें उसके प्रति कंजूस और कठोर नहीं होना था बल्कि अपने भाई के प्रति उदार होना था। पद 7 और 8। प्रभु ने गरीब लोगों में अपनी बहुत दिलचस्पी दर्शाई है। अध्याय 16 में उन पर्वों का बयान है जिसमें सहभागी होने के लिए सभी इजरायली पुरुषों को यरूशलेम जाना पड़ता था। अध्याय 17:14-19 में परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी कि इजरायल का कोई राजा हो क्योंकि वह उनका राजा था। देखिए 1 शमूएल 8:7। लेकिन अगर लोग परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ बात का चुनाव नहीं करते तो वह उन्हें उससे निचले स्तर की श्रेष्ठ बात को चुनने की आजादी देता है। इसलिए उसने उनसे कहा कि अगर वे अपने लिए एक राजा चुनते हैं तो प्रतिदिन इस व्यवस्था को पढ़ना, परमेश्वर का भय मानना और पूरी तरह उसकी आज्ञाओं का पालन करना होगा। आज के मसीही अगुओं के लिए एक और अच्छा भाग है, उन्हें ध्यान देकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए, उसका भय मानना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अध्याय 18:1-7। यहाँ मूसा उन्हें कुछ और नियम देता है। वह आत्मवाद और जादू टोने को प्रतिबंधित करता है। पद 9-14। उन्हें ज्योतिषियों की बातें नहीं सुननी थी क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनके बीच में एक नबी भेजने वाला था जिसकी बात उन्हें सुननी थी। पद 14-19। जो मसीह के आने के विषय में एक स्पष्ट संकेत है। अध्याय 18:20 में उन्हें प्रभु के नाम में ऐसा कुछ भी बोलने के लिए मना किया गया था जिसकी आज्ञा उसने नहीं दी थी। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसकी मसीही लोगों को बहुत जरूरत है क्योंकि ऐसे बहुत है जो कुछ खास तरह से मसीह समूहों में अपनी बात को अधिकार पूर्ण बनाने के लिए ये कहते हुए नबुवत करते हैं, प्रभु यूं कहता है, और फिर जो कुछ उनके मन में आता है वो बोलते हैं। ये इतना गंभीर पाप है कि परमेश्वर ने ऐसे नबी को मार डालने की आज्ञा दी है। परमेश्वर कहता है, मैंने उनसे बात नहीं की है फिर भी उन्होंने नबुवत की है। यिर्मयाह 23:21। परमेश्वर के वचन में इन सारी चेतावनियों के बावजूद इस पाप में काम के खिलाफ मुश्किल से ही कहीं कोई आवाज सुनाई देती है। निष्ठावान मसीहों के विशाल जनसमूह आज इन झूठी नबुवतों द्वारा भरमाए जा रहे हैं। अगर हम वह नहीं बोल रहे हैं जो परमेश्वर ने वास्तव में पवित्र शास्त्र में कहा है तो हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है, प्रभु यूं कहता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम
परमेश्वर के वचन में जोड़ रहे हैं। अध्याय 18, 21 और 22 में झूठे नबियों को पहचानने का एक तरीका बताया गया है। जो नबुवत वह करता है वह पूरी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति एक झूठा नबी है। पवित्र शास्त्र में इस स्पष्ट शिक्षा के बाद भी ऐसे बहुत से मसीह हैं जो आज के नबियों द्वारा की जाने वाली गलतियों को सहते हैं और फिर भी उनकी बातों को सुनते रहते हैं। वे इस पथ को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं और इसे इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि फिर इसका सहज अर्थ जटिल हो जाता है। ये पद ये सिखाता है कि एक सच्चे नबी की नबुवत 99% नहीं 100% सही होगी। परमेश्वर ने अपने वचन में हमें पर्याप्त चेतावनियां दी है कि हम धोखा खाने से बचे रहे। एक व्यक्ति चाहे कितना भी पवित्र, भला और सुसमाचारीय क्यों न हो, लेकिन उसके द्वारा की गई नबुवत अगर ठीक उसी तरह पूरी नहीं होती है एक बार भी, तो उसने झूठी नबुवत की है। और अगर वह अपने आप को नम्र और दीन नहीं करता है और अपनी गलती को नहीं मानता है तो वह एक झूठा नबी है। परमेश्वर कहता है कि हमें ऐसे व्यक्ति पर फिर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसे कितने मसीह हैं जो इस बात में परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं? अध्याय 19 में शरण नगरों के विषय में दोहराया गया है। जो ऐसे लोगों को शरण देने के लिए बनाए गए नगर थे जिन्होंने दुर्घटनावश किसी को मार डाला था। अध्याय 20 1 से 7 में इजरायली जब युद्ध के लिए जाते थे तो उनसे ये कहा जाता था कि वे पूरी तरह परमेश्वर में भरोसा रखते हुए निर्भय होकर जाए। जो भयभीत होते थे या जिनकी दिलचस्पी प्रभु के युद्ध करने से ज्यादा अपनी पत्नी, घरों या दाग की बारियों में होती थी, उन्हें युद्ध भूमि से लौट जाने के लिए कह दिया जाता था, क्योंकि वे अपने निरुत्साह से दूसरे योद्धाओं के अंदर जल रही प्रभु की भक्ति की ज्योति को बुझा सकते थे। आज भी प्रभु ऐसे ही लोग चाहता है जो पूरे हृदय से उसकी सेवा करना चाहते हैं। ऐसे लोग जिनके लिए उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पियों से ज्यादा जरूरी प्रभु का नाम और उसका राज है। अध्याय 21 में अन्य नियम दिए गए हैं विवाह के विषय में और विद्रोही संतानों का पथराव आदि करने के विषय में। अध्याय 21, 22 और 23 में हम पढ़ते हैं कि जो भी पेड़ पर लटकाया जाता है वह परमेश्वर द्वारा श्रापित होता है। इसी पद का पौलुस ने गलातियों 3:13 में उल्लेख करते हुए ये दर्शाया है कि कलवरी की सूली पर लटकने द्वारा मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ था, कि वह हमें उस श्राप से मुक्त कर दे जो हम पर इसलिए आना था क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था का सिद्ध रूप में पालन नहीं कर सके हैं। अध्याय 22:5 में परमेश्वर ने उन्हें स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्र धारण के विषय में निर्देश दिए। पुरानी वाचा में ये एक ऐसा नियम है जो प्रतीकात्मक तौर पर हमें ये सिखाता है कि स्त्री और पुरुष के बीच जो फर्क परमेश्वर द्वारा तय किए गए हैं, हमें उन्हें बनाए रखना है।
और दोनों लिंगों के लिए जो विभिन्न काम उसने निश्चित किए हैं, हमें उनका आदर करना है। हम उस नियम में पशु सृष्टि के लिए परमेश्वर की गहरी दिलचस्पी को देख सकते हैं, जिसमें उसने एक घोंसले में पाई जाने वाली ऐसी मादा को पकड़ने से मना किया था जिसके बच्चे भी उसके साथ थे। 22:6-7। पशुओं के लिए भी परमेश्वर की संवेदना हमें एक बड़ा सत्य सिखाती है। वह हमारी जो उसके बच्चे हैं, और भी कितनी ज्यादा देखभाल करेगा। अध्याय 23:24 में हम नैतिकता, स्वच्छता, तलाक और ऐसे दूसरे नियम पाते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि गरीबों का शोषण न हो बल्कि उनकी देखभाल की जाए। अध्याय 24:6-21 को पढ़ना हमारे लिए ये जानने के लिए अच्छा है कि परमेश्वर गरीब लोगों में कितनी गहरी दिलचस्पी रखता है। अध्याय 25:26 में दूसरे अलग अलग प्रकार के नियम सूचीबद्ध किए गए हैं, और अध्याय 27 में ऐसे लोगों पर सार्वजनिक तौर पर श्राप घोषित किया गया है जो कुछ खास तरह के पाप करते हैं। अध्याय 28 एक लंबा अध्याय है जिसे दो भागों में बांटा हुआ है। पहले 14 पद वे प्रतिज्ञा है कि अगर वे परमेश्वर के नियमों का पालन करेंगे तो वह कैसे उन्हें आशीष देगा, और अगले 54 पद ये बताते हैं कि परमेश्वर उन्हें कैसे दंडित करेगा जो उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर व्यवस्था के अनुसार सिर्फ इसी तरह मनुष्य को अपनी आज्ञाओं के अधीन रख सकता था, उपहार की आशा से और दंड की धमकी से। हम बच्चों के साथ भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। हम इसे चॉकलेट और छड़ी पद्धति, आज्ञा पालन करने पर चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाना और आज्ञा उल्लंघन करने पर छड़ी से दंडित किया जाना। व्यवस्था में परमेश्वर ने सबके साथ बच्चे के समान व्यवहार किया, लेकिन नई वाचा में परमेश्वर हमें परिपक्व और वयस्क लोगों के समान देखता है। यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यूहन्ना 14:15। वयस्क पुत्र अपने पिता का आज्ञा पालन डर की वजह से नहीं, प्रेम और आदर की वजह से करते हैं, और इस तरह हम ये जान सकते हैं कि हम स्वयं अब तक बच्चे हैं या वयस्क हैं। क्या आप प्रभु की सेवा करते हैं या उसे अपना धन या सेवा देते हैं या प्रार्थना या उपवास करते हैं इस आशा अपेक्षा में कि आपको कुछ उपहार मिल जाएगा या आप दंड से बच जाएंगे? अगर ऐसा है तो आप में अभी तक पुरानी वाचा की आत्मा है। अध्याय 31:7-8 में हम मूसा को इज़राइल की अगुवाई की जिम्मेदारी यहोशू को सौंपते हुए पाते हैं। हम फिर ये देखते हैं कि मूसा ने वह जिम्मेदारी अपने पुत्रों में से किसी एक को नहीं बल्कि उसी व्यक्ति को सौंपी जिसे परमेश्वर ने चुना था। लेकिन एक दुखद रूप में आज मसीही जगत में ये अभ्यास अब विश्व स्तर पर किया जा रहा है कि जब एक व्यक्ति कोई कलीसिया या सेवकाई शुरू करता है तो वह अपने काम की अगुवाई अपने पुत्र या
पुत्री को ही सौंपता है। वे ऐसा महसूस करते हैं कि उनके अपने परिवार के लोगों को ही वे सारे आर्थिक और आधिकारिक लाभ मिलने चाहिए, जिन्हें तैयार करने में उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की है। लेकिन परमेश्वर की कलीसिया में हमें ये आज्ञा दी गई है कि हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार न जाने। 2 कुरिन्थियों 5:16। हमारे परिवार के सदस्यों को भी नहीं, लेकिन मसीह जगत में मूसा जैसे अगुए पाना अब दुर्लभ है। अध्याय 32 में हम मूसा का गीत पढ़ते हैं। मूसा ने एक भजन भी लिखा है, भजन संहिता 90, और वह भी एक गीत है। अध्याय 33 में परमेश्वर इज़राइल के सब गोत्रों को आशीष देता है। पद 2 और 3 में हम मूसा का एक सुंदर कथन पाते हैं, जिसे हमें पता चलता है कि परमेश्वर की व्यवस्था को वो कैसे देखता था। अपने लोगों के लिए परमेश्वर के गहरे प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में परमेश्वर के दाहिने हाथ में उनके लिए एक ज्वालामय व्यवस्था थी। पद 2 शाब्दिक अनुवाद। इससे क्या सिद्ध होता है? वह निश्चय ही अपने लोगों से प्रेम करता है। पद 3 हमारे लिए इस बात को समझ लेना अच्छा है कि परमेश्वर की ज्वालामय व्यवस्था हमारे प्रति उसके महान प्रेम का सबूत है। एक आसान और कमजोर व्यवस्था यही साबित करती कि वह इज़राइलियों से प्रेम नहीं करता। अध्याय 34 में हम मूसा की मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं। मूसा के मरने के 30 दिन के बाद इज़राइल ने प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किया। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक मनुष्य के अद्भुत उदाहरण के लिए। हमारे जैसा जुनून का एक मनुष्य मूसा, जिसने इज़राइल के लोगों को सिखाया, उन्हें चेतावनी दी और उन्हें प्रोत्साहित किया। हमारी मदद कीजिए ताकि हम भी वैसे ही पुरुष और स्त्री बने जो आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करे, जो उनके पूरे हृदय से आपसे विश्वास योग्य बने। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।